मध्य प्रदेश को एक नया ताज मिला है। मध्य प्रदेश अब मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ ही देश के सभी राज्यों से आगे निकल चुका है, जो कि एक बड़ी बात हो जाती है। दो साल बाद मध्य प्रदेश को अपना ताज वापस मिला है। कई सालों तक सोया प्रदेश रहे मध्य प्रदेश ने फिर अपना वही पुराना तमगा हासिल कर लिया है, क्योंकि पिछले दो सालों से मध्य प्रदेश के सिर से सोया प्रदेश का तमगा छीन रहा था, लेकिन भारत सरकार की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों में फिर से मध्य प्रदेश नंबर वन पर आ गया है। मध्य प्रदेश ने सोयाबीन उत्पादन में अपने करीबी प्रतियोगी राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए फिर से सोयाबीन प्रदेश बनने का ताज हासिल कर लिया है। किसान भाइयों की मेहनत का फल है, जो उन्होंने अच्छे तरीके से मेहनत करके खाद पानी बीज अच्छे किस्म का बीज जो मिला है लोगों को, इसकी उनको लाभ मिला है। और हम इस उनसे कामना करते हैं कि इसी प्रकार हमारे किसान भाइयों की फसल का फसल दुगनी हो चौगनी हो, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस बार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन उत्पादन के साथ मध्य प्रदेश ने देश में पहला स्थान बनाया है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का योगदान 41.92% है। महाराष्ट्र 5.23 मिलियन टन के साथ दूसरे नंबर पर है, तो देश के कुल उत्पादन में महाराष्ट्र का योगदान करीब 40.1% है, जबकि राजस्थान 1.17 मिलियन टन उत्पादन के साथ तीसरे नंबर पर है। देश के कुल सोया उत्पादन में राजस्थान का योगदान 8.96% है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का रकबा 2022-2023 की तुलना में 2023-2024 में 1.7% बढ़ा है। पिछले साल 59.75 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2023-24 में 66.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिस्तान न्यूज़।